ओ प्रिया तुमसा नहीं कोई प्रिया। ओ प्रिया सुनो ना, प्रिया मेरे डाइट लाओ ना, डाइट चिकन अंडा लाओ ना। अरे सुन रहे हो क्या प्रिया? क्या है? लाओ ना चिकन अंडा, डाइट दो ना मेरा। एक तो सारा घर का काम पड़ा रहता है, ऊपर से तुम्हारी मम्मी जब देखो जब ये करो वो करो करके परेशान कर दिए, और ये क्या तुमने घर की हालत कर दी है? तुम क्या बैचलर हो? हाँ ओहो, पूरा घर सत्यानाश करके रखे हो। अरे मेरी जान, इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ? पहले नाश्ता किया दो फिर तुम भाग लेना। ओके जाओ ना मेरे दोनों बच्चा है ना। अरे लाए के तुम ये लो। वाओ अंडा और चिकन, थैंक यू सो मच। भाभी जी थोड़ा शक्कर मिलेगा? चाय बना रहा था, शक्कर कम। क्या बात है? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? अरे छोड़ो मुझे। हुआ क्या बोलो ना। हुआ क्या? बर्तन धो के बताओ तब पता चलेगा। क्यों क्या हुआ? प्यारी लग रही हो, क्या बात है? इनको सारा दिन दिमाग खराब, ऐसे खराब होते हैं और ऊपर से इनको रुमाल चढ़ रहा है। अरे मुझे क्या हुआ बोलो तो सही, क्या बात है? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता या दिखाई नहीं देता है? घर की हालत देख रहे हो, भाड़े की रूम में रहते हैं और टिकटॉक पे बस लगे रहते हो और बस लड़के से चैटिंग करते हो और वीडियो बनाते हो। कभी कुछ सोचते हो घर के बारे में? घर भी है तुम्हें। तुमको मेरे से किस चीज से प्रॉब्लम है यार? जिम करता हूँ उससे प्रॉब्लम है, टिकटॉक बनाता हूँ उससे प्रॉब्लम है, किससे प्रॉब्लम? सब तुम्हारी चीज है, मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए मेरे बारे में सोचते हो? तुम मेरे लिए नहीं हो। तुम्हारे लिए मैं हूँ ना बाबा, मैं हूँ तुम्हारे लिए। तुम जिम के लिए हो, तुम टिकटॉक के लिए हो, तुम लड़कियों के लिए हो, तुम वीडियो बनाने के लिए हो, मेरे लिए नहीं हो। सुनो मेरी जान, अरे मेरी प्यारी, तुम ही तो हो मेरी सब कुछ यार, ऐसे तुम क्यों कर रही हो मेरी बात? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें टिकटॉक से प्रॉब्लम है कि बॉडी से प्रॉब्लम है? इतनी अच्छी बॉडी तुम्हारे हस्बैंड की। तुम्हारी मम्मी को देख लो, पहले सारा दिन किस किस करती रहती, ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं तो परेशान हो गई हूँ। और अगर तुमने एक बार भी कुछ कहा ना तो देखना फिर। यहाँ तो मेरी चलती नहीं है। मेरे ख्वाबों में आ, धड़कनों में समा, आके जलवा दिखा दे प्रिया। बस यही करते रहो, काम धंधे पे मत जाओ, बस यही वीडियो बनाते रहो। मुझे जाना पड़ता है जॉब पे तुम्हारे होते हुए, कुछ जरा ये तो सोचो। तुमको मेरे से प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ? मैं टिकटॉक बनाता हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो उससे प्रॉब्लम है क्या? मैं तुमको पैसे कुछ कम ला के दे रहा हूँ क्या? मैं तुमको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम्हारा जो घर का खर्चा है वो मैं तुमको दे रहा हूँ। तुम्हें दिक्कत कैसे हो रही है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या जरा भी? अरे पर क्या प्रॉब्लम है? घर में खाने को है, घर में राशन है,
सब चीजें हैं, और क्या अच्छी 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 साड़ी पहन रही हो, ड्रेस पहन रही हो, जो गहना बना के दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुमको मेरे से? बस। और एक हस्बैंड से क्या उम्मीद करोगी तुम? बस यही तक की बात है मेरे, यानी कि कपड़े खाना पीना बस ये दे रहे हो, बस यही तक हो गया पूरा, और क्या चाहिए? और आगे कुछ भी नहीं है। अरे तीन टाइम का खाना मिल रहा है आपको, मुझे खाना मिल रहा है, सब कुछ बराबर चल रहा है। ऐसे तो मेरी माँ के घर में भी मिल रहा था। तो और क्या उम्मीद करती हो मेरे से तुम? और क्या उम्मीद करती हो मेरे से? तुम क्या चाहते हो? तुमको किस चीज से प्रॉब्लम बताओ मुझे पहले, किस चीज से प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है तुमको, किस से प्रॉब्लम? तुमने जो जवाब दिया है ना वो मुझे याद रहेगा। मेरे माँ के घर में भी रोटी मिलती थी, तुमने भी क्या कहा, तुम चाहते क्या हो? तीन टाइम का खाना मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, तुम भी खा रही हो, अच्छे अच्छे कपड़े। हाँ मैं तो नौकरानी हूँ ना, मतलब अब ये मैं समझ रही, तुमसे तो बात करके बेकार है, मैं जा रही हूँ माँ के घर। नौकरानी की बात ही क्या उसके अंदर मगर? अरे अल्लाह यार, को समझाओ, कोई तो समझाओ यार। दोबारा कॉल किया ना यहाँ पे तो तेरी शक्ल तो बिगाड़ी दूंगी, और साथ में इसे भी नहीं रहने दूंगी घर पे, समझी? दोबारा कॉल नहीं करना यहाँ पे। और तुम याद रखो, किसी का भी स्टूडेंट का कॉल आया ना तुम्हारी खैरियत नहीं है। अरे पर क्या हुआ, क्या किसका फोन है वो पूछ तो लो पहले, किसका फोन है, क्या है? अरे तुम शुरू हो जाते हो, पहले पूछो किस काम का फोन है, किसका है, क्यों है, उसका कोई रीजन होता है ना हर चीज का, हर बात का रीजन होता है। अरे मगर तुमको प्रॉब्लम क्या है, किसी का फोन है तो कुछ काम होगा इसलिए फोन का मैसेज, उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्या है? तुम उसको डायरेक्ट चुड़ैल वगैरह बोल देते। छोड़ो मुझे, अरे कौन है मेरा, सब कुछ है।
समझा करो ना, कभी कभी तो बात समझा करो यार, कोई तो मोमेंट को। चिकन जल जाएगा वहाँ पे। क्या कर रही हो, क्या कमाल कर रही हो। चिकन गिर गया, अब क्या करूं मैं। ओ गॉड, क्या तकलीफ है उससे, क्या प्रॉब्लम है। मैं तुझे इतना चाहता हूँ, मगर तू कभी भी ये नहीं चाहती है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, तू जिससे खुश रहेंगी मैं वो काम करने को तैयार हूँ। क्या कर सकता हूँ तेरी, बता। सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सब कर दो। तुम्हारी मम्मी की, मम्मी को भी देखने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा घर देखने को तैयार हूँ, मैं सारी चीज़ें देखने को तैयार हूँ, लेकिन तू करते क्या हो। हाँ, मेरी जो जरूरत है वो तुम पूरी नहीं कर रहे हो। क्यों, तुम्हारा जिम, तुम्हारे चिकन अंडे, तुम्हारे बॉडी बिल्डिंग, लड़कियों के फोन आना, लड़कियों से बातें करना, वीडियोस पे वीडियोस बनाना, क्या मेरे लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास। अरे जब तू मुझे मिली थी तो मेरा लाइफस्टाइल यही है, जीने का ढंग यही है। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, अंडे खाता हूँ, अच्छी चीज करता हूँ, दारू नहीं पीता, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है। मैं तो अच्छी चीज कर रहा हूँ ना, जिम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ इसी में ही रह जाएगी। ये नहीं मालूम था कि लाइफ में हमें आगे क्या करना है, कैसे लाइफ को जीना है, ये तो बताओ। ये तो लाइफ है ना, कैसे हो जाते हैं लाइफ का यही स्टाइल है। जब तक मैं बॉडी नहीं बनाऊंगा, मेंटेन नहीं रहूंगा, अंडे चिकन नहीं खाऊंगा, मुझे तो प्रेजेंटेबल कैसे दिखूंगा मैं। अपने आप को फिट रहने के लिए चिकन अंडे जिम प्रॉपर टाइम टू टाइम है। ये नहीं, हमें रहने के लिए हमारा खुद का घर होना जरूरी है, बैंक बैलेंस होना जरूरी है, ये सब मत सोचो, बस अपने बारे में सोचो तुम। चल, वो भी धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी ना, अचानक थोड़ी आ जाती है। अभी शादी को कितना टाइम हुआ अपने को। चल के आएंगी ना। अभी चल के नहीं आएंगी बेटा, धीरे धीरे कुछ तो मेहनत कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, अभी अच्छे अच्छे मेरे को एपिसोड मिलेगा, कुछ अच्छा काम मिलेगा। डायरेक्टर का फोन आया था मुझे आज, वो मुझे बुलाया है। कैसे होता है, ये सब चीजें आसानी नहीं होती है। बड़े बड़े स्टार होते हैं जो ये सब करते हैं, तो ये सब छोटी छोटी स्ट्रगल से आगे बढ़ते हैं, तो मैं वो ही तो कर रहा हूँ। इतने सालों से मैं देख रही हूँ, क्या तुमने कभी मेरी ख्वाहिश पूरी की है, जरा बताओ। क्या ख्वाहिश है, देखो मैं तुमको जितना जितना एक नॉर्मल इंसान देना चाहिए उतना वक्त में देता ही हूँ। नहीं दे रहे हो तुम, समझते क्यों नहीं हो तुम। इसी बात को तो झगड़ा है घर में। अगर हर एक चीज सेट हो, तुम अगर मेरे बारे में सोचो, जरूरी नहीं है तुम टाइम टू टाइम हर लड़की का कॉल आता तुमसे बातें करते हो। क्यों, लेकिन क्या मैं नहीं हूँ कि तुम कभी बैठ के मेरे बाजू में इस तरह से बातें करते हो। नहीं करते हो, और क्यों करोगे, क्योंकि मैं तो घर में हूँ ना, वो तो बाहर है ना। हमारे बीच जब कुछ होता है किसी ना किसी का कॉल आ जाता है। अब बताओ, मेरी गलती है ये। पर ये सब तो इत्तेफाक है ना, ये सब चीजें तो इत्तेफाक से हो रही है ना मेरी जान, आप समझ नहीं पा रही हो। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम अपने आप को ही लेके चल रहे हो, तुम मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। जब मैं ही कमाती हूँ तो क्या मैं घर नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कमाई का घर चाहिए। मैं मम्मी मम्मी पापा के यहाँ इतनी खुश नहीं थी, मैंने सोचा था तुम मुझे वो प्यार दोगे, लेकिन तुम तो उस प्यार से भी देखो एक सिंपल सी बात है प्रिया, मैं आपको चाहता हूँ और आपको मैं बहुत चाहता हूँ। मेरी लाइफ में अगर ये सब चीज़ें जिम है, अंडा है, चिकन है, ये सब टाइम टेबल है, तो ये कोई गलत नहीं है, ये डिसिप्लिन है जीने का। अच्छा लगूंगा तो आगे कुछ काम मिलेगा मुझे, और अगर तुझे फिर भी लगता है मैं तुझे गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दे। माफ़ नहीं, मैं घर छोड़ के। अरे घर छोड़ने के बाद क्या उसके अंदर हो गई, आज हम रह रहे हैं, संसार बनाए, सब चीज़ें क्यों करे हमने, इसीलिए किए ना। घर छोड़ना रहते तो ये सब करते क्यों तमाशा, इतने साल अपन साथ में थे, तो जरा भाभी थोड़ा शक्कर दो ना, चाय बनाना था, शक्कर कम पड़ रहा है। अच्छा, खत्म हो गई शक्कर। कौन है, क्या हुआ? जरा दूध दीजिए ना, चाय बना रहा था, दूध खत्म हो गया। दूध नहीं है। क्या फिगर है,
क्या हुआ? भाभी एक्चुअली आप बहुत प्यारी लगी हो आज तो। अच्छा आपका नंबर मिलेगा क्या? कभी अगर मैं घर पे नहीं रहूँ कुछ चीज़ों की जरूरत है तो मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है। आप क्या है, आप क्या चाहिए? पर नहीं नहीं कुछ चाहिए नहीं एक्चुअली। आप ना आप बहुत प्यारी दिखती हैं कसम से। सच? सच में बहुत। और आपकी स्माइल तो ओए होए। आपको मैंने कॉल किया था, आपने पिक नहीं किया? शायद मैं सोई हुई थी। नंबर तो सही है ना? देख लेते हैं, कॉल लगाओगे तो सही होगा। अच्छा मुझे बहुत प्यारी लग रही हो। ठीक है चलो बाय। हेलो। हाँ भाभी जी क्या कर रही हो? अच्छा 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 फाइनली आपने मेरा कॉल पिक किया। वैसे मैंने रात को कॉल किया था आपको। ओके 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 ठीक है बाय बाय। क्या हुआ? ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो सर? ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? कब से पूछ रहा हूँ तुम्हें, क्या क्या दिक्कत हो गई है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो मैंने तुम्हें टच किया, धक्का क्यों मारा मुझे? हस्बैंड है तुम्हारा यार। आज याद आ रही है? आज आ रही मतलब? हाँ नहीं तो क्या। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम उधर मुंह घुमा के बैठे हो, क्या मोबाइल में हो तुम? हस्बैंड सामने उस पे ध्यान। जिस तरह तुम अपने कामों में बिजी हो उस तरह मैं भी बिजी। क्या क्या है तुम्हारा ये, क्या चल रहा है तुम्हारा ये? पहले से कितनी चेंज लग रही हो तुम। और तुम जब लड़कियों से मोबाइल पे बातें करते हो रात भर तब क्या होता है? हाँ मेरा दिखाई दे रहा है तुम्हें और खुद का जब देखो जब दस और कुछ काम ही नहीं। छोड़ दो मेरे पास आ जाओ। अरे नहीं आ जाओ। ओके रोते रोते रोते।
ऐसे मस्ती करेंगे। कहा ना मैंने तुम्हें कि यार मुझ पे ध्यान ही नहीं देता है, खाली जिम वीडियोस ये सब उसकी दुनिया में, कुछ भी नहीं। अरे छोड़ो ना उसको, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जाओ छोड़ो, जाने दो उसको, हम है ना, वो तो मैं हूँ बचपन से। वाह सर, आपको फाइनली पिक्चर मिल गई और अब आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी सर। मैंने कहा ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, हमारा काम है कि मेहनत करो, मेहनत करने से एक दिन ऊपर वाला जरूर सुनता है। सो आई एम रियली हैप्पी तेरी दोस्ती और हमारा फाइनली मिल चुका है। अब आपके साथ साथ मेरा भी काम हो जाएगा सर, मैं भी आगे बढ़ जाऊँगा। यस यस यस, थैंक यू सो मच। सीते हैं, चलो बाय सर। बाय। सबसे पहले जाके मेरी जान को ये व्यू सुनाऊंगा, बड़ी खुश हो जाएंगी वो। चलो जाता हूँ, मेरी जान को सुनाता हूँ। देख और एक आशिक का जनाजा निकला है, आ गया साला पादल। और एक जनाजा पादल भाई। बियर हाँ, बियर 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 बियर। देखो आशिक आ गया, आशिक का जनाजा आ गया। ए आशिक, ए पागल, पता है दिल टूटा हुआ है, आ इधर, आ इधर। ए पागल, ए आशिक। अरे ओ पागल, क्या लड़की के बीच में बह हुआ है, चल आजा। तो भाई बुला रहे, चल आजा आजा जल्दी। भाई ऐसे तो आशी रोज आते हैं अपने पास। भाई भाई दिली क्या भाई, ऐसे तो आशी रोज आते हैं अपने पास, चल चल के दौड़ दौड़ के, क्या है इसके पीछे। फिर रेड सिगरेट जला रहा हूँ, फिर रेड तिली बुझा रहा हूँ। तेरी नज़र में गुनाह है पर मैं तेरे वादे भुला रहा हूँ। समझ मत इस तो मेरी आदत, मैं तो बस धुआं उड़ा रहा हूँ। ये तो बस तेरी यादों के सिले है, ये तो बस तेरी यादों के सिले है, मैं तेरी यादें जला रहा हूँ। अरे भाई भाई ये मत करो। पागल पागल भाई बियर। मैं पीटर इतना बहक चुका हूँ कि मैं
डॉम के किस्से सुना रहा। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है, सही जा रहे हो। भी डॉम है ए दोस्त, अगर तुम्हें भी डॉम है तो पास आ जाओ मेरे, अगर तुम्हें भी डॉम है तो पास आ जाओ मेरे। अरे आ जाओ भाई, प्यार से प्यार। मैं भी पी रहा हूँ और डॉम बुलाने के लिए तुम्हें भी पिला रहा हूँ। पीले 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 बहुत। भाई भाई वो लड़की ने मुझे धोखा दिया भाई, वो लड़की वो वहाँ पे वो लड़की भाई भाई उसने मुझे धोखा दिया भाई, उसने मुझे धोखा दिया। हे मेरी आँखें आज नम मगर मैं सबको हंसा रहा हूँ भाई जसवंत। होकर अपनी जिंदगी में अपने बे इंतहा प्यार को बुला रहा हूँ। एक सिगरेट की क्षमा के बहाने मैं खुद को जला रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ा और तुम यहाँ के ये क्या नाटक कर रहे हो? हाँ, शर्म नाम की चीज होती तुम यहाँ नहीं होते। रुको मैं समझाता हूँ, रुको एक मिनट। दरअसल ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं। तुम मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है मुझे उस पर यकीन है। तुम मुझ पे भड़क रही हो, अपना चेहरा देखा है? मैं तुमने क्या किया मेरे खाते, तुमने अपने पति को धोखा दिया। मेरी तो गर्लफ्रेंड है, आ जा। अरे छोड़ो ये तो कुछ भी नहीं, चलो हम चलते हैं। तुम लोग रहो, मैं जा रहा हूँ नीचे। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, न जाने तुम कहाँ होगे, कैसे हाल में होगे। मैं बहक गई थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, तुम्हारे प्यार की कदर मैं नहीं कर पाई। कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं? तुम्हारी जेब का सामान हर बार तुम्हारी
यहाँ होने का एहसास दिलाते हैं। और ये पर्दे हर पर तुम्हें करीब होने का एहसास दिलाते, जैसे तुम बस आस पास ही हो और तैयारी कर रहे हो अपनी वीडियो बनाने की। और ये रिंग लाइट जिसके बगैर तुम कभी वीडियो नहीं बनाते थे, और तुम्हारे बगैर ये घर इस तरह खाने को तोड़ता है। आगे कितना भी हो, पति पति होता है, पति की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कहाँ हो तुम, आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो मैं तुमसे पछताछ करना चाहती हूँ ना। आ जाओ, कहाँ इस मूवी को बनाने का मतलब यही है कि हम इस हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हम जो गलती करते हैं, जो हमें नज़र नहीं आती है, तो अक्सर हम इंसान को अपने खुद की गलती कभी भी नज़र नहीं आती है। तो हम इस शॉर्ट मूवी को बनाने का उद्देश्य यही था। ये स्टोरी हमने जब हमारे सचिन साहब ने हमें सुनाई, तो एक्चुअली पहले तो हमें बहुत फील हुआ इस चीज़ को, और बाद में हमने रियलाइज़ किया कि लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं। तो इस मूवी के द्वारा हम ये चीज़ हम हमारे फ्रेंड्स को, मतलब हम हमें तो कोई हक नहीं किसी की गलती गिनाने की, क्योंकि हम ही खुद ही कसूर वाले हैं। तो हम ये सब चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए और सीखिए, हम इससे कुछ सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो भी गलती होती है हमसे, तो हमें उसका रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक एहसास के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि हमें उस चीज़ की फीलिंग हो रही है क्या। कभी कभी फीलिंग बहुत समय के बाद होती है, जब समय हाथ से जा चुका होता है। तो आप लोग अपने हाथ से समय को मत जाने दीजिए, उससे पहले समझ जाइएगा ये क्या चीज़ है, कैसा है। ये जो मूवी का बैनर है आपने देखा होगा, दो दिन पहले लॉन्च हुआ है, तू बेवफा। जिंदगी में हर इंसान बेवफाई करता है, किसी ना किसी से करती रहते हैं। कोई अपनी माँ की शर्त करता है बुढ़ापे में, उसको छोड़ देता ना था श्रम में। कोई इंसान जानवर रहता है, जानवर को पालता पोसता है, फिर उसको कुछ बीमारी तो छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे अभी हमारी स्टोरी में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हीरो हीरोइन से बहुत प्यार करता था, पर कुछ चीज़ों से समझ नहीं पा रहा था। जब उसका अच्छे दिन आए, उसको जब स्टार बन गया, जब हीरो बनने वाला था, वो टाइम पे उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। क्यों? एक लड़की को सिर्फ प्यार, जो जिस्मानी भूख बोलते या फिर कुछ बोलते, वो चीज़, या फिर खाना पीना, जिस्मानी भूख नहीं कह सकते इसे। इसे एग्जैक्टली ये होता है कि मुझे इस मूवी के अंदर मेरी गलती, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैं मेरी गलती बताऊँ, दुनिया की गलती क्यों, मैं इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फिश बहुत सेल्फिश था। मैं अपने बारे में, अपना जिम, अपना खाना, अपना पीना, अपना डाइट, सामने वाले का भी तो कुछ है, वो अपना घर बार छोड़ के आपके लिए आई है। वाइफ के बारे में भी ना सोचना तो गलत बात है। सिर्फ अपने बारे में सोचना, मैं कैसे लग रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरा कपड़ा क्या है, मेरा जूता क्या है, उनका क्या है, वो बहुत डिपेंड करता है। जब हम किसी को भी अपने लाइफ में, जिंदगी में लाते हैं, तो वो हमारा फर्ज है उसको खुश रखना हर तरीके से। बिल्कुल, खाना पीना तो उनके घर पे मिलता था, उनको प्यार तो घर पे मिलता था, बट कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो एक और जैसे पति, हाँ, मतलब कि वो अपना घर छोड़ के आती है और पति के पास, और वो भी वो मतलब उन चीजों से वो दुनियादारी से दूर है, तो क्या मतलब है? वो सिर्फ हस्बैंड से एक ही चीज उम्मीद करती है कि उसको बस अटेंशन, अटेंशन, तवज्जो, वो और कुछ नहीं चाहती है। आप उसको एक जोड़ी में रखो, खुश रहेंगी। ये इस मूवी में मैंने गलती किया हूँ ये, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स है वो इस चीज को, आपने भी थोड़ा गलती किया है, जो उससे प्यार करते हो, बड़ी गलती हुई कि मतलब इनका प्यार ना मिला तो मैं किसी और के पास गई। शुरुआत तो मैंने की इसके हिसाब से। एक्चुअली फीमेल कभी भी गलत नहीं होती है, फीमेल को गलत बनाते हैं, हालात बनाते हैं। एक बात ऐसी है कि ताली ठाक सी नहीं बजती है, ताली दोनों से बजती है। कभी कभी औरत भी गलत होती है, कभी कभी इंसान भी गलत होता है, हम किसी को ब्लेम कर नहीं सकते, बट हमारे मूवी को आप लाइक करते हैं। पर ये चीज 100% है कि फीमेल गलत नहीं होती। ये सब चीजें आपको, ये सब चीजें क्लियर है कि गलत हमेशा वक्त ले आता है, और
अक्सर फीमेल्स अच्छा अपने देना चाहती है, जब कोई इंसान किसी के घर छोड़ के आता है तो वो बनाने के लिए आती है, बट कहीं कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो मेरी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरे चाहने वालों, आप प्लीज उस चीज को बनाने का मतलब यही है कि आप सीख लीजिए, और बस हम कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे ही हमारे ब्रदर का चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे ब्रदर का चैनल का नाम है किंग मेटा एंटरटेनमेंट, किंग मेटा एंटरटेनमेंट, जो और हमारे सलमान भाई का नाम है, जी जी, जो के सलमान टू जेड यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। हमारा जो जितना भी मेकिंग है, जो भी है, हमारे सर, हमारे बिग बॉस उसे करते हैं। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे एक ऐसा प्यारा दोस्त मिल गया है जो मेरे को सपोर्ट करता है, मेरा हम कदम, मैं जो कदम से चलता हूँ मेरे साथ कदम मिला के चलता है। और हमारी सबसे प्यारी परी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इनकी भी फ्रेंड है, जिन्होंने अपना ज़िंदगी का कीमती समय निकाल के वहाँ दूर से हमारे लिए शूट करने आई। परी जी, मैं आपका इसके लिए दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और ये पप्पी आपको मैं दिल से दे रहा हूँ। थैंक यू।